तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जैकेट टी ब्लॉग। और गाइस, आज जो मैं वीडियो ला रहा हूँ जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बेसिकली एक तरह का बेसिक ही है जो स्टेप्स का बेसिक है। यहाँ पे आपको मैं अनलिमिटेड मोबाइल आपको लैपटॉप पे चलाने के लिए सिखा रहा हूँ, जहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से सीपीएम कर सकते हो, बहुत ही सिक्योर तरीके से कर सकते हो। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक नॉक्स प्लेयर एंड्रॉयड 9, ठीक है। आप जब इसको सर्च करोगे तो ये वेबसाइट आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो डाउनलोड एंड्रॉयड 9 है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंस्टॉल ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। इंस्टॉल हो जाने का, चलो मैं फिर से दिखाता हूँ। अब इंस्टॉल हो गया, अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अभी आपका इंस्टॉल हो रहा है, मेरे में ओवरराइड इसलिए है क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। यहाँ पे मुझे ये ब्राउजर मुझे चाहिए नहीं, इसलिए मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी ये आपका इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, ये आपका इंस्टॉल हो गया। उसके बाद डेस्कटॉप पे दो आइकन बनते हैं आपका, ठीक है। एक नॉक्स नॉक्स असिस्टेंट, तो आपको इसको ओपन करना है। अब ओपन करने के बाद यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आता है, मल्टी ड्राइव मैनेजर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से भी सबको, नहीं एक मिनट, मैंने एक्चुअली पहले बना रखा था, मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके का आपका बन के ये आता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास देखो कितना प्लेयर है, एंड्रॉयड 7 है, एंड्रॉयड 9, एंड्रॉयड 9, ठीक है। तो ये आपका ओपन हो गया। अब करना कैसे, देखो यहाँ पे ऐड इलिमिटर है, आपके पास एंड्रॉयड 7 है, 9 है, ठीक है। टोटल एक तरह देखा जाए तो 1 2 3 4 है, ठीक है। अब मैं जितना मर्जी उतना ऐड कर सकता हूँ। मैंने एक ऐड किया, फिर तो ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे डाउनलोड हो वैसे बनता जाएगा। तो समझो आप एक इस पे अनलिमिटेड ऐड कर सकते हो, ठीक है। कोई लिमिट नहीं है इसका, वो बस आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो ये इंस्टॉल हो गया आपका, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको बस मल्टीपल जितना चाहे उतना मर्जी कर लो। समझो ये एक दिख रहा ना, एक एक मोबाइल ही है आपका। अभी मुझे मेरे पास में 7 मोबाइल हो गए, ठीक है। तो मैं अगर इस पे 100 कर लूँ, ठीक है, 100 मोबाइल, 100 ID हुआ, तो क्या हो गया आपके पास पे, 100 सिस्टम आप एक बार में रन कर सकते हो। बट वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर में। चलो मैं एक बार मान के चलता हूँ 10 चलाते हैं या 7 चलाते हैं। मैंने सेलेक्ट किया सबको और मैंने प्ले कर दिया। अब देखो ये चलना आपका स्टार्ट हो जाएगा, एक एक करके सारा ही ओपन होगा। तो ये देखो गाइस, ओपन हो चुका है, दूसरा तीसरा, धीरे धीरे करके सारा ही ओपन होगा, है ना। देख लो 1 2 3, ये चौथा ओपन हो रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सब में सेटिंग करना है, ठीक। अब आपको क्या क्या चाहिए इसमें, इसमें बेसिकली चाहिए होता है हमें, एक तो आपके पास में VPN होना चाहिए, 2 3, ठीक है। सब साफ हो गया एक VPN, दूसरा आपके पास में नॉर्ड VPN होना चाहिए, तीसरा आपके पास में एक जो फ्री में आता है अर्बन VPN यूज करो इसके अंदर में, ठीक है। मतलब ऐसा है कि हर एक इम्यूलेटर के लिए एक एक अलग अलग VPN होना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, सबका IP आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। सपोज आपने एक दिन काम करा एक कंट्री से, एग्जाम्पल के लिए ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक सब दे रहा है, सब सक दे रहा है, एक आपको IP दे रहा है, एक आपको दे रहा है
नॉर्ड वीपीएन ऑस्ट्रेलिया के लिए, एक आपको दे रहा है, एक इंडियन वीपीएन आता है वो दे रहा है बहुत अच्छा होता है, एक अर्बन वीपीएन होता है वो बहुत अच्छा होता है वो दे रहा है आपको, तो सब पे इस पे आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। हर एक पे एक ईमेल आईडी आपको लगा के रखना है, ठीक। टाइम जोन सेट रहेगा आपको, बस बना लेना है कि भाई ये अगर मैंने 100 बनाया है तो 100 में 20 मेरा यूएस का है और उसमें यूएस ही हमेशा कनेक्ट होगा, 20 मेरा ऑस्ट्रेलिया है तो 20 मेरा ऑस्ट्रेलिया ही कनेक्ट होगा। रोज आपको कम से कम 100 आईडी पे वर्क करना ही करना है, ठीक है। तो ये जो भी चीजें मैं आपको बहुत बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, मतलब प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है, कंप्लीट नहीं एक तरह से चीजें, इसमें और भी बहुत कुछ होता है, ठीक है, बहुत सारी सेटिंग्स है जो कि सब पेड में, मैं पहले क्लियर बोलता हूँ क्योंकि मैंने इस पर बहुत रिसर्च करके मेहनत किया है, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर जो मैंने बनाया था वो तो मैं दे दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई उसमें, बट आप आईपी कहाँ से लाओगे, हर एक चीज, तो सारा कुछ मैं पेड में ही बताऊंगा वो सब चीजें, ठीक है। और ये मतलब इतना सेफ तरीका है क्योंकि ये, यहाँ पे एक चीज और दिखाता हूँ आपको, जो डिवाइस है इसके अंदर में मोबाइल का डिटेल होता है, ठीक है। हर एक 100, समझो आपके पास में 100 मोबाइल पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, जिससे आपका ऐड बंद नहीं होगा, ठीक है। 100 मोबाइल पे आप काम करोगे, ऐड बंद नहीं, क्योंकि हर एक का एक यूनिक आईपी होगा, यूनिक डिटेल होगा, ठीक है। यूट्यूब के पास में भी जाएगा ना वो, अगर ऑडिट भी करेगा तो उसके पास में क्या मिलेगा उसको, उसको मिलेगा बस कि ये इस मोबाइल के थ्रू से, जैसे सैमसंग गैलेक्सी है, ठीक है, नॉर्मली इसके अंदर में कितना दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया। मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे अनलिमिटेड मोबाइल मॉडल्स यूज करने के लिए, किस तरीके से करते हैं, क्या क्या चीजें होती है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको, वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी चीजों के साथ में। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।